तो देखिए यही तो ज़ेलेंस्की चाहते थे, क्योंकि हमने देखा किस तरह से लगातार जो ज़ेलेंस्की उनकी मांग रही है कि आतंकवादी देश जो हो रहा है वो एक आतंकवादी एक्ट है और इसको यूरोपियन यूनियन की तरफ से बाकायदा अब पारित भी कर दिया गया, इसे मान लिया गया, जो कुछ हो रहा है वो टेररिज्म से जुड़ी हुई गतिविधि है। लेकिन यूएन में जो गुहार लगाई गई ज़ेलेंस्की की डिमांड पर, आप जरा इसको समझिए, जो बात है वो कौन सी बड़ी सामने आ रही है। रूसी सेना यूक्रेन की धरती को छोड़े, ये गुहार लगाई गई है ज़ेलेंस्की की पहली डिमांड। रूसी सेना यूक्रेन की धरती को छोड़े, दूसरी डिमांड, आतंकी देश घोषित हो रूस और यूरोपियन यूनियन ने ये काम कर दिया है। तीसरी डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमले हैं उसे रोका जाए, क्योंकि किस तरह से यूक्रेन लगातार उसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना कर रहा है। चौथी बड़ी बात क्या है वो आपके सामने पॉइंटर के जरिए देखिए, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद यूक्रेन को पहुंचाई जाए। और पांचवी बड़ी बात, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए जाए। ये तमाम बड़ी जो डिमांड्स है और इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार ये जो डिमांड्स है वो फुलफिल होती हुई नजर भी आ रही है। मेरा सवाल आपसे है, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप सचदेवा सर, कि ये जो कदम उठाया गया, पहली बात तो ये यूरोपियन यूनियन तरफ से जो कदम उठाया गया, रूस इससे और कितना ज्यादा भड़क जाएगा, कैसे शांति के बजाय जो हालात है वो दूसरी तरफ जाते नजर आएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी और उसके बाद ये जो एक्ट हो रहा है, कहीं से लग रहा है कि ये युद्ध शांत होता हुआ नजर आएगा आपको? मैं आप इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से जो प्रस्ताव पास हुआ है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में पास हुआ है, यूरोपियन काउंसिल ने, जो राष्ट्राध्यक्षों की काउंसिल होती है, उसने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। तो इसको ये कहना मेरे ख्याल से अनुचित होगा कि यूरोपियन यूनियन ने रूस को आतंकवादी देश घोषित किया है। सिर्फ यूरोपियन पार्लियामेंट ने, जो कि नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास किया है, उसको उसके बारे में आप कह रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको लगता है? ये एक्शन है ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुतिन पर? पुतिन पर तो मतलब रूस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही जो जन भावना है यूरोपियन यूनियन में वो पुतिन, बट एक ग्राउंड सेट हो गया जो बात ज़ेलेंस्की कहते थे सर, उस पर आगे चर्चा करने से पहले, युद्ध में मिसाइल हमलों पर अब रूस का जिस तरीके से फोकस है उसको लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास, जहां पूर्व राष्ट्रपति ने मिसाइल फैक्ट्री में जाकर इसकी तैयारी भी देखी है और मॉस्को की मिसाइल फैक्ट्री में दिमित्री मेदवेदेव जब नजर आए वो तस्वीर भी जारी की गई है। मेदवेदेव ने तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी कही है। मॉस्को की मिसाइल फैक्ट्री में पहुंचे हैं दिमित्र मेदवेदेव, जहां युद्ध के इस हालात के बीच मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर तैयारी का लिया गया है जायजा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।